रोमन रेंस ने स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद दी बड़ी स्टेटमेंट। टीएलसी के लिए दो बड़े मैच हुए हैं कंफर्म। स्टिंग चाहते थे अंडरटेकर को फेस करना और जाने के क्या कुछ हुआ बड़ा आर डब्ल्यूब्ल्यू के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूब्ल्यू हिंदी गॉसिप्स। WHG वाज आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम रोमन रेंस स्टिंग जैसे सुपरस्टार्स की खबरों को कवर करेंगे, लेकिन उन पर जाने से पहले बात करेंगे दोस्तों टीएलसी 2020 की। तो टीएलसी 2020 के लिए दोस्तों दो बड़े मैच हो चुके हैं कंफर्म, जो फ्रेशली कंफर्म्ड मैच है दोस्तों। इनके बारे में बोलूं तो सबसे पहला मैच है फिंड बनाम रैंडी ऑर्टन के मध्य। तो लग ही रहा था कि टीएलसी के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को बना ही देगी, क्योंकि आप जानते हैं बीते 3 हफ्तों से हमें रैंडी ऑर्टन और फिंड के मध्य थिंग्स गर्माते हुए नजर आई है। जहां इससे पहले फिंड ने रैंडी ऑर्टन को उनके मैच हरवाए, वहीं दोस्तों रैंडी की बात करूं तो रैंडी ने उनकी कमजोरी यानी कि अलेक्सा को गोद में उठा लिया था। तो ऐसे में दोस्तों ये मैच टीएलसी के अंदर कंफर्म हो चुका है, तो काफी मजा आएगा। वही दूसरे मैच की बात करूं तो गाइज वो भी हमें लग रहा था लेकिन कंफर्म नहीं था कि ये मैच बनेगा कि नहीं। तो गाइज ये मैच है नाया जैक्स एंड शेना बेसलर बनाम आपकी आस्का एंड लारा के मध्य, जहां दोस्तों जो टैग टाइटल्स है वो दाव के ऊपर होने वाले हैं। तो गाइस आप जानते हैं कि नहीं, लाना और आस्का जो है वो 2 बारी इन दोनों को हरा चुकी है, हालांकि नाया और शेना काफी डोमिनेट चैंपियन है। तो ऐसे में दोस्तों डब्ल्यू वालों ने ये मैच भी कंफर्म कर दिया, तो काफी ज्यादा मजा आएगा टीएलसी में। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो गाइस इससे अगली खबर जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिग ई से। तो बिग ई के बारे में आपने ध्यान दिया होगा कि नहीं, तो गाइस बिग ई के बारे में बोलूं तो बिग ई का नया थीम सॉन्ग अब स्मैकडाउन के अंदर डेब्यू कर चुका है। इस बीती स्मैकडाउन में दोस्तों बिग ई ने एक नए थीम सॉन्ग के साथ एंट्री मारी और वहां दोस्तों एंट्री पर भी वो ब्रांड न्यू शब्द का यूज किए थे। दरअसल बताया जा रहा है कि बिग ई दोस्तों सिंगल पुश मिलने वाला है और बिग ई ने दोस्तों हाल ही में एक ट्वीट किया जो कि इस म्यूजिक के क्रिएटर यानी कि दोस्तों वेल के लिए था। ये चीज बोले कि लिविंग लेजेंड ने मेरे लिए म्यूजिक बनाया, तो उनका धन्यवाद। अब देखते हैं दोस्तों बिगी क्या मेन इवेंट पिक्चर में जाते हैं या फिर कोई मिड कार्ड टाइटल जीतते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों अभी के लिए वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के पीछे जाएंगे और वो जीत भी सकते हैं। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज के बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है एनएक्सटी के फॉर्मर चैंप यानी कि कैरियन क्रॉस से। तो कैरियन क्रॉस के ऊपर ब्रांड न्यू अपडेट आ रखा है। दरअसल हाल ही में ट्रिपल एच से पूछा गया था कैरियन क्रॉस से रिलेटेड कि कब उनका रिटर्न होगा, वो काफी समय से गायब है, उन्हें इंजरी आ रखी है। तो इस पर ट्रिपल एच का कहना क्या रहा, ट्रिपल एच का कहना ये रहा कि टिकटॉक कभी भी हो सकती है, वो कभी भी लौट सकता है, उसकी इंजरी काफी ज्यादा ट्रिकी है, तो ऐसे में कहना मुश्किल होगा कि वो कब लौटेगा। तो वॉर गेम से ठीक पहले ट्रिपल एच का ये कहना कि वो कभी भी लौट सकता है कहीं ना कहीं सवाल निशान पैदा करता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कैरियन क्रॉस ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने रिटर्न को टीज भी किया है। तो देखते हैं दोस्तों वॉर गेम्स में क्या वाकई किलर क्रॉस उर्फ कैरियन क्रॉस का रिटर्न होता है कि नहीं। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो गाइस इससे अगली न्यूज कोई न्यूज नहीं है, दरअसल ये एक तरीके की गॉसिप है। तो गाइस ये जुड़ी हुई है हमारे रॉब वैन डैम से। तो रॉब वैन डैम ने दोस्तों इस साल इंपैक्ट रेसलिंग को छोड़ दिया, जिसके बाद से दोस्तों वो सुर्खियों में नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाल ही में उनकी एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं आरवीडी के बाल हो चुके हैं सफेद और वो दोस्तों अपनी एज से काफी ज्यादा बूढ़े लग रहे हैं, इतनी ज्यादा उनकी एज नहीं है। लेकिन स्टिल दोस्तों रेसलिंग फैंस इस तस्वीर को देख के काफी ज्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि आरवीडी सभी के हीरो थे। आरवीडी दोस्तों काफी ज्यादा अंडररेटेड सुपरस्टार है, जिसके पीछे का रीजन यही है कि उन्हें हमेशा से अपने नशे की आदतों के चलते नुकसान झेलना पड़ा है। हम चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज के बारी जुड़ी हुई है वह जुड़े है दोस्तों MJF से। तो AEW के सुपरस्टार MJF ने दोस्तों WWE के ऊपर ह्यूज शॉट्स लिए हैं। MJF का कहना यह है कि WWE एक मोनोपोलाइज्ड कंपनी है। अब बता दो मोनोपोलाइज्ड कंपनी का मतलब उनका क्या है। दरअसल दोस्तों MJF का मतलब ये था कि आज से कुछ समय पहले यानी कि ठीक 1.5 साल पहले WWE के पास बहुत सारे रेसलर्स थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने उन रेसलर्स को काफी गंदा ट्रीट किया और अब जो है वो कंपटीशन आ चुका है। अब लोगों के पास ऑप्शन है कि वो AEW में जा सकते हैं। मोनोपोलाइज्ड का मतलब दोस्तों ये चीज बता रहे हैं वो कि वो कुछ पर्टिकुलर रेसलर्स के ऊपर ही
फोकस कर रहे थे उस वक्त। दरअसल MJF का मतलब उनसे भी है, क्योंकि MJF दोस्तों WWE में एज ए एक्स्ट्रास काम किए हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन उस वक्त दोस्तों जॉन सिना का काल था, और यहाँ दोस्तों MJF का मतलब यही है कि उस वक्त केवल 3-4 सुपरस्टार्स को ही फोकस किया जाता था, और उसका जो नुकसान है वो आज WWE को झेलना पड़ रहा है। अब नुकसान से याद आया, AEW से याद आया, गाइस स्टिंग का WWE को छोड़ने का रीजन सामने आ चुका है। तो गाइस बताया जा रहा है कि जो स्टिंग है वो अपने WWE रन से काफ़ी नाखुश थे। तो WWE के अंदर दोस्तों स्टिंग ने काफ़ी अच्छे अच्छे मोमेंट्स दिए हैं, लेकिन देखा जाए तो उनका डेब्यू काफ़ी ज़्यादा बेकार हुआ था, Triple H हार गए थे। लेकिन स्टिंग का मानना यह है कि WWE वालों ने उनकी एक मांग पूरी नहीं की, सिर्फ एक मांग जो कि उन्होंने रखी थी विंस मैकमैन के सामने, और ये थी दोस्तों कि वो अंडरटेकर को एक सिनेमैटिक मैच में फेस करना चाहते थे। तो इस साल हमने दोस्तों काफ़ी सिनेमैटिक मैच देखे हैं, जहां दोस्तों AJ वर्सेस अंडरटेकर को काफ़ी लोगों ने सराहा। स्टिंग भी ऐसा ही मैच टेकर के खिलाफ देखना चाहते थे और टेकर को फेस करना चाहते थे एक सिनेमैटिक मैच में, लेकिन विंस मैकमैन का मानना यह है कि स्टिंग जो है वो अपने आइकॉन है और अंडरटेकर जो है वो अपने आइकॉन है। दोनों आइकॉन्स को, दोनों अलग अलग कंपनीज के आइकॉन को आपस में भिड़ाना सही नहीं होगा। तो ऐसे में दोस्तों वो इस मैच को बनाना ही नहीं चाहते थे, और स्टिंग इससे काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए। वहीं बात की जाए उन्होंने AEW को क्यों ज्वाइन किया है, तो ये जवाब तो दोस्तों AEW वाले ही दे सकते हैं। लेकिन जो खबरें निकल कर सामने आ रही है AEW की तरफ से वो ये है दोस्तों कि क्रिसमस में उन्हें टी शर्ट सेल्स बढ़ानी थी, मर्च बिकवाने थे, और ऐसे में अब जब स्टिंग आए हैं तो खबरें ये भी आ रही है कि मर्च काफ़ी ज़्यादा बिक भी रहे हैं और क्रिसमस में AEW को काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो स्टिंग के लिए दोस्तों WWE वालों ने ज़्यादा कुछ खास नहीं किया, और स्टिंग ने दोस्तों AEW में मेरे हिसाब से जाकर काफ़ी ज़्यादा सही किया है, क्योंकि वहाँ उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। आपका क्या कहना है कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। हम चलते हैं आज की अपनी सेकी लास्ट न्यूज़ के ऊपर। तो गाइस सेकी लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, जो वो जुड़ी हुई है दोस्तों फॉर्मर वुमेन्स चैंपियन यानी कि मलीना से। तो गाइस लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो गाइस मलीना का रिटर्न होने जा रहा है। तो इससे पहले भी खबरें आई थी कि मलीना जो है वो जल्द अपना रिटर्न करेगी, लेकिन गाइस वो रिपोर्ट सच साबित नहीं होती है, क्योंकि बताया जाता है कि NW के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में है। लेकिन अब जो अपडेट आ रही है जो कि PW इनसाइडर वालों ने दी है वो ये है कि नेक्स्ट वीक तक हमें मलीना फिर से WWE के अंदर देखने को मिलेगी। अब देखते हैं दोस्तों कितने हद तक ये सच साबित होता है। अगर दोस्तों ये सच साबित नहीं होता है इस मंथ, तो नेक्स्ट मंथ तो 100% है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ यानी कि दोस्तों जनवरी में हमें देखने को मिलेगी रॉयल रंबल। देखते हैं दोस्तों क्या कुछ वहां होता है, और क्या वाकई में नेक्स्ट वीक तक मलीना अपना रिटर्न करती है कि नहीं। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर तो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस ने दे दी है केविन ओवेंस को धमकी। तो मारने के बाद धमकी दी है केविन ओवेंस को रोमन रेंस। तो हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। तो आज ट्विटर पकड़ा रोमन रेंस ने, क्या चीज लिखे, वो चीज लिखे कि मैं कुछ अलग नहीं कर रहा, मैं वही चीज कर रहा हूं जो कि जरूरी है। अगर कोई सामने आएगा लाइन में तो उसे पीछे करना मेरा कर्तव्य है, और अगर कोई मेरी फैमिली मेंबर पर सवाल उठाएगा तो उसे धूल में चटाना भी मेरा कर्तव्य है। यहाँ दोस्तों नीचे क्या चीज लिखे है कि डर सबसे बड़ा मोटिवेटर है। तो यहाँ दोस्तों जो केविन ओवेंस है उनके ऊपर टिप्पणी की है रोमन रेंस, जहां केविन ओवेंस का कहना यह था कि रोमन रेंस से बिल्कुल भी नहीं डरते। रोमन रेंस ने आज जता दिया कि बेटा डर तो जरूरी है। वहीं दोस्तों केविन ओवेंस की बात करूं, केविन ओवेंस ने भी ट्वीट किया है, वो लिखे हैं ब्रिंग इट ऑन, यानी कि वो बिल्कुल तैयार। तो काफी ज्यादा मजा आएगा अगले PPV यानी कि TLC में। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट करके मुझे सब बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत से पहले थैंक्स फॉर मेंबर्स, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्द खैर।